पूरा देश इस वक्त भीषण गर्मी के प्रकोप और चिलचिलाती धूप के चलते घरों से एक बाहर निकलते हुए तो वही दूसरी ओर तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ऐसे में गरीब मजदूर के आगे रोजी रोटी की संकट भी आ रही है। बता दें कि इस भीषण गर्मी का प्रकोप फल और सब्जियों पर भी बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते मौसमी फलों में सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है। वही बाकी बची सब्जी फलों पर महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती नजर आ रही है, जिससे कि सब्जियों का राजा कह जाने वाला आलू भी अपने तेवर दिखाने लगा है। अपने निर्धारित मूल्य से 4 गुना 5 गुना रेट पर बिकता नजर आ रहा है, जिससे आम आदमी पार्टी की जेब का बजट बिगड़ता जा रहा है और बाजार की रौनक उजड़ती हुई नजर आ रही है। टमाटर 20 रुपये था 40 रुपये किलो था, गोभी 20 रुपये थी ये भी 40 रुपये मिली, खीरा था 15-20 रुपये 30 रुपये मिल गया, भिंडी भी बिकेगी 10-12 रुपये किलो की 30 रुपये मिल गई, हर सब्जी महंगी हो गई, नींबू 100 रुपये किलो का था 160 रुपये मिल गया, हमारी बिक्री आधी हो गई और हमारी दुकान का किराया भी निकल पा रही, लगभग हो गए तुम्हारे 15 दिन से हो गए, बारिश के कारण हो गए, बारिश पड़ी नहीं, खुशकी में संभाल सूख गया। राजेश सिंह तोमर, सब्जी वाले।